अच्छा, एक चीज रह गई मुझे, अगर सही याद है तो आपके पास कुछ लोग गॉड मैन बनाने का ऑफर लेकर हाँ आए हाँ हाँ थे। वो बहुत बहुत साल हो गए इस बात को, जिन दिनों मेरा बहुत नाम हुआ था 1983-82 में, जब घर घर में ऐसी लागी लगन बज रहा था, तो मेरे पास बंगाल से फ़ोन आया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं मुंबई में रहता था। तो टीम आई पूरी, वो तो 15 लोग आ गए। मैंने कहा कभी इतने लोग आए नहीं एक प्रोग्राम बुक करने में। आइए बैठिए, चाय मैं पिलाई सबको। तो उनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या करना है, तो क्या आप कहाँ प्रोग्राम करना है। कहते नहीं प्रोग्राम की बात नहीं है, हम आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने वो क्या, कहते हम आपको गॉडमैन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप बोलते भी अच्छा हैं और आप गाते भी अच्छा हैं, तो यही तो हमें चाहिए। तो मैंने कहा उसमें क्या करना होगा। कहते वह जो कपड़े हम कहेंगे वो पहनना होगा, पब्लिक के सामने जो खाना है हम कहेंगे वो खाना होगा। मैंने कहा यार मैं तो सब कुछ खाता हूँ, खाता पीता सब कुछ। नहीं वो आप अकेले में कर सकते, सबके सामने नहीं कर सकते। मैंने कहा वो हमारी ज़िंदगी नहीं है, गुड बाय। हम जो हैं वो सामने हैं और जो नहीं है वो नहीं है। शायद यही कारण है कि हमारे भजनों का लोगों पे असर होता है, क्योंकि हम सच्ची बात बोलते हैं। हमारे अंदर जो है हम वो बोलेंगे, जो नहीं है वो नहीं बोलेंगे। और वो टीम बस को वापस भेज दिया।